इसराइल से सटा एक इलाका है, गाजा पट्टी। इसराइल और गाजा के बीच दशकों से तनाव चला आ रहा है। गाजा पट्टी पर फिलहाल फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास का शासन है। शनिवार 7 अक्टूबर की सुबह इसराइल का आसमान रॉकेट और मिसाइलों से गूंजने लगा। ये रॉकेट गाजा ने दागे, 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट। गाजा के हमास चरमपंथियों ने हमले की जिम्मेदारी ली और चेताया कि यह हमला उनका पहला हमला था। इस हमले के बाद इसराइल ने गाजा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। खबर आ रही कि हमास समूह के लोग इसराइल में घुस गए हैं और कथित तौर पर उन्होंने सिविलियन लोगों को निशाना बनाया है। इसराइल के लिए हमास चरमपंथी आतंकवादी हैं। देश की रक्षा बलों ने आरोप लगाया है कि हमास आतंकी अलग अलग जगहों से देश में घुसा है। प्रतिक्रिया में इसराइल की सेना उनसे लड़ रही है, उनके ठिकानों पर रॉकेट के बदले रॉकेट दाग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क अल जजीरा के इनपुट्स के मुताबिक फिलिस्तीनी सशस्त्र ग्रुप हमास ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लॉड लॉन्च किया है। इसे दशकों में सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। तस्वीरों और वीडियो में इसराइल के अंदर गाड़ियों पर हथियारबंद लोग दिख रहे हैं। कथित तौर पर फिलिस्तीनी लड़ाकों ने कुछ इसराइलियों को बंधक भी बना लिया है और कई लोगों की मौत की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। इजरायली सेना ने गाजा की सरहद के पास रहने वाले लोगों से घर के अंदर रहने के लिए कहा है और इजरायली रक्षा मंत्री ने सैन्य रिजर्वों को बुलाने के लिए मंजूरी दे दी है। हवाई अड्डों और देश के अंदर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इस बीच हमास के एक सैन्य कमांडर ने लेबनान में सशस्त्र ग्रुप से इसराइल के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। जवाब में इसराइल ने क्या कहा? न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर ऑपरेशन आयरन स्क्वाड शुरू किया है। दर्जनों लड़ाकू विमान गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि गाजा के शहरियों ने अल जजीरा को बताया कि इजरायली केवल हमास के ठिकानों पर नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रहे हैं। हमास का कहना है वे अलग अक्सा की गरिमा की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ग्रुप के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हिनोरेह ने अल जजीरा को बताया, हम अल अक्सा की रक्षा के लिए सम्मान प्रतिरोध और गरिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं और कमांडर इन चीफ अबू खालिद अल दीफ के लिए नाम पर अल अक्सा बाढ़ के तहत लड़ रहे हैं। ये बाढ़ गाजा में शुरू हुई लेकिन जल्द ही पश्चिमी तट और उस जगह तक फैल जाएगी जहाँ हमारे लोग मौजूद हैं। वह इस पूरे मामले में इसराइल में अमेरिकी दूतावास का कहना है कि वो हमलों और गाजा से हमास लड़ाकों की घुसपैठ के बाद इसराइल में सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।